नमस्कार दोस्तों, बट नेर आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज। देखिए, ब्याज के दो रूप हैं, एक तो होता है सरल ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम करेंगे सरल ब्याज और फिर उसके बाद में हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। तो सरल ब्याज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क क्या होता है, क्योंकि जब तक हम ये फर्क ही नहीं समझ पाएंगे तब तक आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। इधर जो है ये SI है और यहां पर जो है ये CI है। देखिए, SI में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया मैंने आपको लोन दिया, मान लीजिए क्या है, 1 लाख रुपया है, मैंने आपको लोन दिया कितने परसेंट पे, 10% की रेट पे। तो दोस्तों, 1 लाख रुपए का 10% क्या होता है, 10,000। तो आप मुझे पहले साल में कितना ब्याज दोगे, 10,000, दूसरे साल में भी कितना ब्याज दोगे, 10,000, और तीसरे साल में भी कितना ब्याज दोगे, 10,000। मतलब जब तक आप ये राशि अपने पास रखोगे तो आप मुझे हर साल 10,000 रुपए ब्याज देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हर साल जो ब्याज लगेगा वो काय पे लगेगा, मूलधन जो मैंने आपको दिया था उसी पे लगता रहेगा, ऐसा ब्याज कहलाता है सरल ब्याज। यदि हर साल इंटरेस्ट क्या लगे, मूलधन पर लगे, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सरल ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहलाता है, वही सवाल को अपने मान लीजिए यहां लेते हैं कि 1 लाख रुपए दिए आपने 10% की दर पर, तो दोस्तों 1 लाख का 10% क्या होता है, वही 10,000। तो पहले साल जो ब्याज लगा वो काय पे लगा, 1 लाख रुपए पे, और पहले साल के एंड में आपको कितने रुपए मिले, 10,000 रुपए। अब अगले साल क्या होगा, अगले साल होगा क्या कि आपका जो 1 लाख रुपया मैंने दिया उस 1 लाख पर भी 10% लगेगा, यानी कि 10,000 रुपए। और पहले साल का ब्याज कितना था, पहले साल का ब्याज था 10,000 रुपए, तो है ना, ये देखिए पहले साल का ब्याज कितना था, 10,000 रुपए। तो इस 10,000 के ऊपर भी आपको क्या देना पड़ेगा, दूसरे साल में ब्याज। तो इस 10,000 पे भी 10% लगेगा, 1,000 रुपया, यानी कि अगले साल क्या मिलेगा, 11,000 रुपए का ब्याज आपको मुझे देना पड़ेगा। यानी कि सरल ब्याज में हर साल मूलधन जो शुरू शुरू में था उसी पर ब्याज लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर पहले साल तो लगता है मूलधन पर और दूसरे साल मूलधन के साथ साथ पहले साल के ब्याज पर, उसी प्रकार तीसरे साल में मूलधन पर साथ साथ जो 2 सालों का पीछे ब्याज हो गया, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता रहता है, जबकि सरल ब्याज समान रहता है। तो 2 बातें आपको समझ आई कि जब मूलधन पर ब्याज लगे, मतलब ब्याज तो मूलधन पर ही लगेगा, कहने का तात्पर्य हर साल मूलधन पर ब्याज लगे तो वो तो क्या कहलाता है, सरल ब्याज, और जब मूलधन के साथ साथ चक्र क्या है, ब्याज पर भी ब्याज देना पड़े तो उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसके अलावा जो है चक्रवृद्धि ब्याज को हम जब हम पूरा हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां मैं इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। एक बार मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क क्या होता है थोड़ा बहुत, ताकि आपकी समझ बनी रहे और आपका इंटरेस्ट बना रहे यहां पर। इतनी बात आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर जो क्या है, सरल ब्याज। जो लोग सरल ब्याज को देख रहे हैं पहली बार, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले परसेंटेज चैप्टर को पूरा देखें। परसेंट, क्योंकि सरल ब्याज परसेंटेज के ऊपर ही है। अब देखिए अभी किस प्रकार परसेंटेज के ऊपर है, हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि 10 लाख रुपए या 1 लाख, जो हमने पहले सवाल लिया था, 1 लाख रुपए आपका मूलधन है। यही मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा कि मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल। तो दोस्तों, मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, जिस राशि पर ब्याज लगता है वो हमारा मूलधन होता है।
जिस राशि पर ब्याज लगता है वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, हमारा मूलधन होता है। 10% ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होती है जिस दर पर ब्याज लगता है, यानी कि 1,00,000 रुपए पर 10% की दर से ब्याज लगेगा। इसका मतलब क्या है कि 1,00,000 रुपए का हमें क्या निकालना है, 10% निकालना है। 10% दर का मतलब है कि 1 साल में कितना ब्याज लगेगा। सामान्य तौर पर ब्याज की दर हमेशा वार्षिक दी गई होती है, यानी कि 10% अगर क्या बोल दे कि 10% वार्षिक दर है, तो आप ये समझ जाएंगे कि 1,00,000 का 10% मैं निकालूंगा तो मेरा 1 साल का ब्याज आएगा, 6 महीने का नहीं आएगा, 8 महीने का नहीं आएगा, किसका आएगा, साल का ब्याज, क्योंकि वार्षिक जो दर होती है या ब्याज की जो दर होती है वो हमेशा तो नहीं, सामान्य तौर पर और लगभग 99% केसेस के अंदर जो दर होती है वो क्या होती है, 10% जो है वो वार्षिक होती है, मतलब 1 साल का ब्याज। 1,00,000 रुपए का 10% निकाला तो वो 10% जो आया, यानी कि 10,000 रुपए जो आए, वो 1 साल का ब्याज आया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तीसरी बात मैं करूं आपसे कि इसको छोड़िए, इसके अलावा एक टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, मिश्र धन। अंग्रेजी में या इंग्लिश में बात करें तो अमाउंट, अमाउंट क्या होती है, अमाउंट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या मूलधन प्लस ब्याज जो होता है हमारा, उसे कहते हैं हम मिश्र धन। मतलब 1,00,000 रुपए मैंने आपको दिया, 10% उस पर यानी कि 10,000 रुपए इंटरेस्ट लग गया, तो आप मुझे 1 साल बाद में कितना रुपया लौटाओगे, 1,10,000 रुपया लौटाओगे। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि 1,10,000 रुपए जो है उसमें 1,00,000 रुपए मूलधन है प्लस 10,000 रुपए ब्याज है, तो ये आपका क्या हो गया, मिश्र धन। उसके बाद बात करें हम अवधि या समय या टाइम। दोस्तों टाइम क्या होता है, टाइम वो चीज है जितने समय के लिए ब्याज पर राशि दी जाती है। मान लीजिए मैंने आपको 1,00,000 रुपया जो है वो 5 साल के लिए ब्याज पर दिया, तो इसका तात्पर्य कहने का ये है कि जो ब्याज लगेगा वो काय पे लगेगा, 5 साल के लिए लगेगा, यानी कि 1,00,000 रुपए पर 10% तो 1 साल का ब्याज है, और 5 साल का निकालूंगा तो गिनतू मुझे 5 करना पड़ेगा। तो जो 5 साल है वो क्या है, हमारी अवधि है, वो हमारा समय है। इसके बाद अगर बात करें कि किस तरह से निकाला जाता है सरल ब्याज, अब आपने फॉर्मूला सुना होगा, प्रिंसिपल इंटू पीटीआर बटा 100, मूलधन गुणा ब्याज गुणा समय बटा 100, ब्याज मतलब ब्याज की दर, सबने सुना है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। लेकिन अब आप वो चीजें छोड़ेंगे, आप अभी मैच्योर हो चुके हैं, तो देखिए हालांकि हमें स्कूल में वो चीजें क्या है नहीं सिखाई जाती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हैं तो हमेशा करते रहेंगे। देखिए होता क्या है एक्चुअल में, मान लीजिए 5 साल का, ये लाइन यहां गलत है थोड़ी सी, 5 साल क्या है आपका, ये कुछ चीजें मैं आपको यहां इसलिए बताता हूं ताकि हम जब आगे बढ़े तो हमें आगे जब बढ़ेंगे तो सवाल के अंदर बीच में मुझे ना बतानी पड़े, क्योंकि बीच के अंदर जब हम चीजों को डिस्कस करते हैं तो हम हमारे टारगेट से भटक जाते हैं, जो हमें निकालना होता है उसको छोड़कर हम कुछ और ही बातें करने लग जाते हैं। इसलिए यहां देखिए 1,00,000 रुपया मूलधन है, 10% दर है और आपको 5 साल का समय दे रखा है, तो आप मुझे ये बताओ कि 1,00,000 का 10% निकालने के लिए क्या करोगे। 1,00,000 रुपये क्या है, मूलधन, और आप कैसे निकालेंगे 10%, 10/100, यही सिखाया था आपको कि 10% निकाला जाएगा तो क्या होगा, परसेंट 10/100 आ जाएगा। और दोस्तों मैंने आपको अभी एक बात बताई कि जो दर होती है वो 1 साल के लिए होती है, यानी कि ये जो ब्याज आया है मेरा, ये ब्याज मेरा क्या आया है, तो आप कहेंगे सर 1,00,000 रुपए का 10% तो 1 साल का ब्याज आ गया, लेकिन मुझे कितने साल का चाहिए, मुझे 5 साल का चाहिए, तो इनटू में क्या कर दूंगा मैं, 5
है ना। जब आपको कोई चीज एक साल की दे रखी है और पांच साल की पूछ रखी है, तो आप क्या करोगे, एक साल वाली चीज को पांच से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, पांच साल का ब्याज आ जाएगा। अब यहां मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको अलग से हाईलाइट कर देता हूं कि ये जो दस एक लाख रुपया है ये क्या है, हमारा मूलधन। ये दस क्या है हमारी दर, ये पांच क्या है हमारा समय, और बटे में सो है ही। इसलिए हमें पहले बचपन में टीचर सिखाते थे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में सो। तो भाई हमने क्या किया है, हमने भी तो यही किया है, लेकिन हमने जो किया उसे याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें वो चीज समझने वाली है। ये चीज क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग चीजें हैं, जबकि ये चीजें याद करने वाली हैं। है बात सेम ही है ना, बात देखो क्या फर्क है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में सो, यही तो बात ये है। तो आप चीजों को समझिए ना कि याद कीजिए, आपके भविष्य में हमेशा चीजें ये काम आएगी। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें हम और समझते हैं। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या आ गया हमारा 10, दो जीरो से एक जीरो ये कट गई, एक जीरो ये काट दी मैंने, यहां बचा 10,000, यहां पांच, तो 10,000 गुणा पांच करोगे तो क्या आ जाएगा, 50,000 रुपए का ब्याज आ जाएगा पांच सालों के अंदर। ये मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको क्या करना सिखाया, मैंने आपको ब्याज निकालना सिखाया। अब आपको मैं दो तीन बातें बताता हूं जो आपको आगे चलकर इस चैप्टर में हमारे काम आएगी, वो बातें क्या है। उससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि मान लीजिए ये 10% की बजाय क्या होता, 12.5% होता, 10% की बजाय 12.5% होता, और आपको याद होता अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में क्या करते भी आप कहते हमें फॉर्मूला याद करवाया गया था 10 लाख मूलधन गुणा दर 12.5 गुणा में समय बटा में सो। तो सवाल आपका चला जाता इसमें, पॉइंट्स में कैलकुलेशन आपकी हो जाती बड़ी। अब यदि आप मेरे अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो चीजें आपको मैंने सिखाई हैं उस हिसाब से अगर यदि काम करोगे, अब आप क्या काम करोगे, आप कहोगे कि हमें सर ने बताया था कि 1 लाख रुपए का 12.5 निकालना हो, मतलब 1/8 कर दिया करो, यही बताया मैंने आपको। मैंने आपको क्या बताया है कि 1/8 कर दिया करो, क्योंकि 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, 12.5 निकाल लो चाहे तो 1/8 कर लो, एक ही बात है। और हमें चाहिए कितने साल का, पांच साल का, तो हम इंटू क्या कर देंगे, पांच कर देंगे, बात खत्म। तो ये आसान पड़ेगा या वो आसान पड़ेगा, आप खुद सोचो। तो ये आपके आसान पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमेशा हमेशा और हमेशा क्या करेंगे, ब्याज की गणना करेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं, फॉर्मूला होता है पी इंटू टी इंटू आर बटा सो। हिंदी में बात करें मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में सो। मूलधन, मू का मतलब मूलधन, ये क्या है हमारा समय गुणा दर बटा में सो। प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन में 100, आपकी जानकारी के लिए आपको पता ये भी होना चाहिए, लेकिन हमें कहीं काम में इसे नहीं लेना। तो दोस्तों हमने सीखा कि सरल ब्याज की गणना कैसे की जाती है। उसके अलावा मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगा, वही सेम सवाल अपने जो हमने पहले लिया था वो लेते हैं हम 10%। एक तरीका तो मैंने आपको यह बताया कि मूलधन का पहले एक साल का ब्याज निकाल लो गुणा पांच कर दो, यही बताया ना मैंने आपको भी। अब आप देखो एक बात मेरी और समझो कि 10% रेट है, मतलब दर का मतलब होता है एक साल में मिलने वाला ब्याज। अब यदि आपको 10% ब्याज एक साल में मिलता है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि यदि 10% ब्याज एक साल में मिलता है, तो बताओ पांच साल में कितना परसेंट ब्याज मिलना चाहिए। आप कहेंगे सर 50%, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे ना, आप कहेंगे सर जब क्या है कि 10% एक साल का ब्याज है, तो पांच साल में 10 10 10 10 10 यानी के
कितना ब्याज मिल जाएगा टोटल? टोटल आप कहेंगे सर 5 सालों में 10% की दर से हमें 50% ब्याज मिल जाएगा। तो आप अगर 1 लाख का 50%, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 50% क्या होता है, 1/2, तो ये कर देंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, 50,000 रुपए उत्तर आ जाएगा। इससे पहले जो हमने अपनाया था तरीका, उसमें भी तो उत्तर बाहर कितना आ रहा था, 50,000। इस तरीके में भी तो कितना आ रहा है, 50,000। मैं रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि आधा कहां से आया, ठीक है ना, तो वो बच्चे हैं जो मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। मैंने अभी क्या बोला कि 1 साल में 10% ब्याज मिल रहा है, 1 साल में 10% ब्याज मिल रहा है, 5 साल में कितना मिलेगा, 5 साल में मिलेगा 50%। 50% को मैंने आपको सिखा रखा है कि 1/2 लिखते हैं, तो आप चाहे 1 लाख का 1/2 निकाल लीजिए तो भी आपका 5 साल का ब्याज आ जाएगा। इतनी बात में समझ में आ गई होगी आपको। तीसरी बात, ये बातें क्यों बता रहा हूं मैं, ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चलकर हमारे चीजें काम आने वाली हैं। इतनी बात समझ आई, हमें जो मैंने इससे पहले तरीका बताया उससे निकालना है, लेकिन ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि 10% 1 साल में, 5 साल में 50% ब्याज मिलेगा, दिक्कत कहां है, 2 साल में 20 मिलेगा, 3 साल में 30 मिलेगा, है ना। उसी प्रकार से एक और बात बताता हूं मैं आपको, वो बात क्या है देखिए, वो बात कुछ इस तरह से है कि दोस्तों पहले साल में काय पर ब्याज लगा, 1 लाख पर, दूसरे साल में काय पर ब्याज लगा, 1 लाख पर। कारण हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सरल ब्याज। तो 1 साल में 1 लाख पर, 1 लाख पर, और इसी तरीके से क्या होता जाएगा, इसी तरीके से क्या होता जाएगा कि 500 साल में 1-1 लाख रुपए पर ब्याज लगेगा। इतनी बात समझ आ गई आपको। ये तरीके मैं आपको ब्याज निकालने के नहीं सिखा रहा, मैं बता सकता हूं कि इस तरीके से भी ब्याज निकाला जा सकता है क्योंकि आगे चलकर ये चीजें हमारे काम आएंगी। ब्याज आपको उस तरीके से निकालना है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। ये चीजें कहां काम आएंगी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक तरीका होता है। तो दोस्तों हर साल कितना लगेगा, 10% ब्याज लगेगा, मतलब 1 साल में 10% हर साल क्या लगेगा, 1 लाख पर 10% ब्याज निकलता जाएगा। तो कितनी बार ब्याज लगेगा इस 1 लाख पर, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। 5 बार का मतलब जितने साल होंगे उतनी बार ब्याज लगेगा। तो 1 साल में 1 लाख पर ब्याज लगता है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता क्या कि 5 सालों में 5 लाख पर ब्याज लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना भाई। 1 साल में यदि 1 लाख पर ब्याज लगा तो 5 सालों में आते आते कितने पर ब्याज लगेगा, 5 लाख पर ब्याज लगेगा, और कितना ब्याज लगेगा, वही 10%। तो भी कितना आएगा, 50,000। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे तो रेट को क्या कर लो, गुणा कर लो, यानी कि 10 10 10 10 10, 5 सालों में 50%, या क्या कर लो मूलधन को बढ़ा लो, यानी कि 1 साल में 1 लाख तो 5 सालों में 5 लाख, 4 साल में 4 लाख। दोनों को मत बढ़ा देना, अदरवाइज उत्तर गलत आ जाएगा। आप कहीं ऐसे मत कर देना कि इसको 5 लाख कर दिया और 10% को भी 50% कर दिया, ऐसा नहीं होता। या तो 1-1 लाख पर क्या लगा लो, 10% ब्याज लगा लो, तो 5 लाख पर क्या लगा लो, 10% इंटरेस्ट लगा लो, या क्या कर लो 1 लाख पर ही 10 10 10 10 10 50% ब्याज लगा लो। ये चीजें काम आएगी हमारे आगे चलकर, ये चीजें कहां काम आएगी, आगे चलकर हमारे काम आएंगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम उठाते हैं कुछ सवाल और उन्हें करने का प्रयास करते हैं। अच्छा एक बात और भाई, जो हम पहली टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखो ब्याज निकालना कोई टाइप नहीं है, ब्याज की गणना करना कोई टाइप नहीं है, ब्याज की गणना करना तो आपको आनी चाहिए क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सरल ब्याज, और हमने सीख भी लिया 3 तरीकों से जिसमें से आपको पहला तरीका फॉलो करना है। लेकिन आपको कुछ और बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि वो बातें ये है
कि मैं कहता हूं कि कोई राशि हमारे पहली टाइप, ये हमारी पहली टाइप आरंभ हो चुकी है, पहली टाइप का जो सवाल है उसमें चीजें काम आएंगी, पहली टाइप के जो भी सवाल हैं उसमें हमारी चीजें काम आएंगी, कि कोई राशि मैं आपको बोलूं कि चार गुना हो जाती है, यदि आपको क्या बोला जाए कि कोई राशि चार गुना हो जाती है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको एक रुपया दिया, आपने मुझे चार रुपए दिए होंगे, यही है ना, चार गुना होने का मतलब क्या है कि मैंने आपको एक रुपया दिया था, आपने उसको चार गुना करके मुझे वापस दे दिया। लेकिन यहां समझने की जरूरत इस चीज को है कि क्या आपने मुझे चार रुपए दिए क्या, मतलब आपने अपनी तरफ से मुझे चार रुपए दिए क्या, तो नहीं, क्योंकि उसमें एक रुपया तो मेरा इंक्लूड था। इतनी बात आई समझ में भाई, चार गुना हो गई तो उसमें एक रुपया तो क्या है भाई, मूलधन, और तीन रुपए क्या है, ब्याज। ये बात समझने की जरूरत है हमें कि मैंने आपको एक रुपया दिया, आपने मुझे आठ गुना दे दिया, तो एक रुपया तो मेरा है ना, उसमें ब्याज कितना है, उसमें सात रुपए। मैंने आपको एक रुपया दिया, आपने मुझे बारह रुपए दे दिए, तो यहां हमें क्या जरूरत है, हमें बारह रुपए ब्याज नहीं है, बारह रुपए तो मिश्र धन है, क्योंकि आपने मुझे एक रुपए के बदले बारह रुपए दिए, तो बारह रुपए में एक रुपया तो किसका था, एक रुपया तो मेरा था, पीछे ब्याज कितना था, तो वो आप कहेंगे ब्याज था सर ग्यारह रुपए, यानी कि हमेशा एक रुपया ब्याज क्या होता है, कम होता है, क्योंकि एक रुपया जो उसमें शामिल होता है वो किसका होता है, वो उसमें होता है हमारे मूलधन का। चार गुना हो गया तो ब्याज कितना, तीन। पांच गुना हो गया तो ब्याज कितना, चार। सात गुना हो गया तो ब्याज कितना, छह। नौ गुना हो गया तो ब्याज कितना, आठ, क्योंकि एक रुपया उसमें क्या शामिल है, एक रुपया उसमें मूलधन का भी शामिल है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहां पर हमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि कोई राशि चार गुना हो गई है, तो हमने बात कर ली, अब आपको कह दे कि ब्याज जो है मूलधन का चार गुना है, ब्याज मूलधन का कितना है, चार गुना है, तो यहां दोस्तों ये राशि बता रहा था, यहां ब्याज बता रहा है, बच्चों को जो सारे कंफ्यूजन तुम्हारे दिल में है वो आज सब मैं यहां पर निकाल कर जाऊंगा, कि जो भी कंफ्यूजन आपके दिल में है, ये कंफ्यूजन था कि कोई राशि चार गुना हो गई, तो राशि चार गुना हो गई मतलब जो एक रुपया मैंने आपको दिया था, आपने मुझे चार रुपए लौटा दिए, जो एक रुपए से चार रुपया हो गया, एक रुपए उसमें मूलधन है और तीन रुपए उसमें ब्याज है, ये बात हमने बहुत अच्छे तरीके से समझी। अब हम यह समझते हैं कि अगर ब्याज चार गुना हो जाए तो इसका मतलब है कि मूलधन कितना है, एक रुपया, और ब्याज कितना है, चार रुपया, क्योंकि इसने क्या दिया कि इसने, या तो इसने साफ और स्पष्ट रूप से लिख कर दे दिया कि चार गुना ब्याज है, साफ और स्पष्ट लिख रखा है कि ब्याज कितना है, चार गुना, तो चार रुपया ब्याज है, एक रुपया मूलधन है, पांच गुना ब्याज है तो एक रुपया मूलधन है, पांच रुपया ब्याज है, और वो राशि हो कितनी जाएगी भाई, एक और चार पांच हो जाएगी, यानी कि उसका मिश्र धन या अमाउंट कितना आएगा, तो वो आएगा पांच। ये दो बातें आपको समझ में आई होगी। अगली बात आपने क्या समझनी है, क्योंकि हमारी अगली दो तीन टाइप हैं वो चुटकी बजाकर हो जाएगी, अगर आपने ये बातें एक बार के लिए समझ ली तो। अगली बात मैं करूं आपसे, तो आप क्या करेंगे, कोई राशि चार गुना हो जाती है, मतलब हमेशा ध्यान रखना मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100%, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, और 100% होती है तो मूलधन क्या हो जाएगा, 100%। राशि चार गुना हो गई तो दोस्तों ब्याज कितना है उस पर, आप कहेंगे सर 300%। कारण क्या है, क्योंकि वो 100% से 400% हो गई, तो ब्याज कितना इंक्लूड है उसमें, 300% ब्याज इंक्लूड है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर वो पांच गुना हो गई तो 100% मूलधन है, तो राशि कितनी हो गई, पांच गुना मतलब 500%, तो ब्याज कितना इंक्लूड है उसमें, 400%। अगर हम परसेंट पे सवाल करेंगे तो क्या चलेगा हमारा, 100%, 300%, 500%, 700%, ठीक है। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी।
एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं कि कोई राशि 6 गुना हो गई, तो यानी कि मूलधन कितना था, देखो अभी आज के बाद मैं मूलधन को लिखूंगा पी, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था 100%, प्रिंसिपल कितना था 100%, अमाउंट कितनी होगी 6 गुना, तो 600%। तो दोस्तों ब्याज कितना हो जाएगा उस पर, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट मतलब मिश्रधन, तो दोस्तों ब्याज कितना हो जाएगा उस पर, आप कहोगे सर 500% हो जाएगा, दिक्कत कहाँ रही है, दिक्कत तो है नहीं उसमें, 600% राशि होगी, 100% उसके खुद के किसके मूलधन के हैं, प्रिंसिपल के हैं, तो ब्याज कितना हो जाएगा 500%। अब आते हैं हम सवाल पे। अब देखिए सवाल हमारे कितनी आसानी से होंगे, इसलिए कहता हूं कि पहले कंसेप्ट समझने जरूरी हैं, फॉर्मूले के आधार पर भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूले को रटने का कोई फायदा नहीं है। आपसे मैं ये पूछता हूं, आपके पास सवाल आ गया होगा आपकी स्लाइड पर, कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 साल में 25 गुना हो जाता है, इफ एन अमाउंट इज बिकम 25 times इन 6 years, तो ब्याज की दर ज्ञात करो, आपको बतानी है ब्याज की दर। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसके, पहला आपका ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक जो तरीका है आपका, जो आपको स्कूलों में बचपन में सिखाया गया है सूत्र लगाकर, फॉर्मूला लगाकर, और दूसरा तरीका आपको मैं बताऊंगा मेरा तरीका, और आपको दूसरे तरीके से सवाल करने हैं, पहले तरीके से आपको कभी भी सवाल नहीं करने। दोस्तों ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपने अभी पढ़ा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, यही पढ़ा दोस्तों आपने। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 25 गुना हो जाती है, अब बार बार मैं उस बात को रिपीट नहीं करूंगा, 25 गुना हो जाती है मतलब यदि मूल धन 1 रुपए है तो दोस्तों ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे सर 24 रुपए, मूल धन यदि 1 रुपए है तो ब्याज कितना होगा 24 रुपए, क्योंकि यहां वो कह रहा है कि राशि 25 गुना हो गई, अगर उसमें प्रिंसिपल 1 रुपया है तो ब्याज कितना है 24 रुपया, या पुट कर दो अपना आंसर निकालो, ब्याज कितना है 24 रुपए, मूलधन कितना है 1 रुपया, दर कितनी है ये तो निकालनी है, गुणा में टाइम कितना है 6 साल अपॉन में 100, काटापीटी करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 400%, आपका आंसर कितना आ जाएगा 400%। कुछ भी नहीं किया दोस्तों मैंने, यहां कुछ भी नहीं किया मैंने, इस फॉर्मूले में सारी चीजें पुट कर दी। देखो ब्याज कितना था 24 रुपए, क्यों था, क्योंकि मैं बार बार आपको बोल के बता चुका हूं कि 1 रुपया मूलधन था, 24 रुपए ब्याज बनेगा, 1 रुपए मूलधन, दर कितनी है आर निकालनी है, समय कितना है 6 साल आपको सवाल में दिखाई दे रहा होगा, और बटे में 100, काटा पीटी कर ले जब आप करेंगे तो आपका आएगा 400%। ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड, इससे हम कभी भी सवाल को नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा तरीका क्या है, मेरा तरीका क्या कहता है वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए जब भी किसी चीज को हम छोटा करते हैं थोड़ी सी दिमाग की वहां अटेंशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, जब भी हम कोई नई चीज, इसके लिए शायद आपको इतना कंसंट्रेशन नहीं जरूरत पड़ी होगी, कारण बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी चीजें सुनी सुनी सी हैं, जब भी कोई नई चीज अपने सुनते हैं तो उसके लिए हमें कंसंट्रेशन थोड़ा सा देना पड़ता है। तो प्लीज यहां पर आप अपना ध्यान लगाइएगा और मुझे यह बताइएगा कि यदि मूलधन मैं मान लूं कितना, मैं मान क्या लूं मूलधन होता ही कितना है 100% होता है, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, तो दोस्तों ब्याज कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर 2400%, यानी कि कितना ब्याज मिला आपको, आप कहोगे सर 2400% ब्याज मिला, कितने सालों में 6 सालों में, जब 2400% ब्याज 6 सालों के अंदर है तो 1 साल में कितना होगा, 6 का भाग दे दूंगा मैं भाई, टोटल ब्याज कितना है 2400%। इस सवाल को थोड़ा आराम से समझते हैं हम, उसके बाद में थोड़ा स्पीड हम बढ़ाएंगे अपनी, कि अगर मूलधन 100% था तो ब्याज कितना हो गया 2400%, क्योंकि देखो मूलधन से ब्याज कितना गुणा है 24 गुणा, तो यदि हम मूलधन को 100% मान लें, मान नहीं लें मूलधन 100% ही होता है,
तो ब्याज कितना हो जाएगा 2400%। 2400% यानी कि 24 गुना होने में, 2400% बनने में कितने साल लगे? सवाल में दे रखा है 6 साल लगे। तो एक साल हमारी, उसने पूछा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। दोस्तों मैं आपको इतना अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि ब्याज की दर क्या होती है, एक साल में कितना ब्याज बनेगा वो ब्याज की दर होती है। तो जब 6 साल में 2400% ब्याज बन रहा है तो एक साल में कितना ब्याज बनेगा? आप कहोगे सर 400% ब्याज बनेगा। 400% ब्याज बनेगा तो हमारा सवाल खत्म। यही तो पूछा था, एक साल में जो ब्याज बनता है उसकी भाषा दूसरी है। उसने पूछा कि दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। लेकिन आप समझदार लोग हैं, आपको पता है कि ब्याज की दर क्या होती है, जो एक साल में ब्याज होता है परसेंटेज के अंदर वो ब्याज की दर होती है। तो परसेंट में एक साल में कितना ब्याज बन रहा है 400%, यही आपकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम अगले 2-4 सवालों को थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि सेम सवाल है, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा ना समझने वाला। तो दोस्तों मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक तो आपका ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा मैंने बताया आपको मेरा तरीका। अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, लाइक और शेयर करते रहा करो ताकि मैं भी क्या है मोटिवेट होता रहूं। अगला सवाल, कितने समय में कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाएगी? दोस्तों मूलधन कितना है आपका 100%, वो कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना का मतलब ब्याज कितना होगा इसमें, यानी के मिश्र धन दे रखा है इसने कितना, 4 गुना। 4 गुना का मतलब क्या होता है 400%। तो दोस्तों ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे सर 300%। खत्म सवाल। सवाल खत्म क्यों? क्योंकि आपको कितना चाहिए, आपको ब्याज कितना चाहिए, आपको ब्याज चाहिए 300%, है ना। भी 1 गुना से 4 गुना होने में ब्याज कितना लगेगा, 300% लगेगा। क्योंकि 1 रुपया तो 100% तो क्या था, मूलधन था ना, 100% तो मूलधन था, टोटल 400% है, तो ब्याज कितना लगेगा 300%। ये कह रहा है कि कितने सालों में 10% की दर पर, इन हाउ मेनी ईयर एट द रेट ऑफ 10% दैट प्रिंसिपल विल बिकम 4 times। तो इसका मतलब आप समझिए कि 300% ब्याज चाहिए हमें। 300% चाहिए किसके हिसाब से, 10% के हिसाब से, क्योंकि हमारी दर कितनी है 10%। एक साल में 10% मिलेगा, 2 में 20, 3 में 30, हमें कहां पहुंचना है, हमें 300% पर पहुंचना है। तो बताओ कितने साल में मिलेगा, आप कहेंगे सर 10% एक साल में मिलता है, 300 चाहिए तो 30 सालों के अंदर मिल जाएगा, दिक्कत कहां है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल उसका उल्टा था, उसमें रेट पूछ रखी थी, इसमें टाइम पूछ रखा है। तो बात तो वही है ना, हमारा कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो कुछ भी पूछ ले आप पीछे नहीं हटेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि कोई धनराशि असर्टेन सम एट द रेट ऑफ 5%, मैं जहां जहां ब्याज की दर बोल रहा हूं वो मेरे अकॉर्डिंग सरल ब्याज की दर है, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, सरल ब्याज। पेपर के अंदर साफ और स्पष्ट रूप से लिखा मिलेगा सरल ब्याज की दर से, इतनी बात समझ लीजिएगा। कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर पर कितने किसी समय में 4 गुना हो जाती है, किसी समय में 4 गुना, यानी कि 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 गुना हो गई, ठीक है, कितने टाइम में टी टाइम के अंदर, ये टी है भी, टी टाइम में 4 गुना हो गई, तो उतने ही समय में, समझ रहे हैं, उतने ही समय में, यानी कि टी टाइम के अंदर, तो टी टाइम में कितनी दर पर या कितनी आर पर
कितने परसेंट रेट पर? 7 गुना हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर आ गया होगा। देखिए भी, पहले तो टी टाइम निकालते हैं, वही बात 5% की रेट पर 4 गुना हो रही है, 5% की दर पर 4 गुना हो रही है। अब बार बार देखिए, ना बोलना पड़े, है ना, 100% मूलधन, 400% मिश्रधन, ब्याज कितना, 300%। सेम सवाल है ये भी, चलो फिर भी लिख देता हूं मैं कि 100% मूलधन और मिश्रधन कितना हो गया आपका, मिश्रधन मतलब अमाउंट कितनी हो गई आपकी, 400% हो गई। दिक्कत कहां आ रही है, क्योंकि ये कह रहा 4 गुना हो गई, तो दोस्तों ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया सर 300%, ब्याज हो गया 300%। कितनी रेट पर, 5%, मतलब एक साल में कितना मिलता है, 5%। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 300%, एक साल में 5%, हमें चाहिए 300%। तो कितने सालों में जाकर मिलेगा भाई, आप कहोगे सर 60 साल में क्या मिल जाएगा मुझे, 300% ब्याज मिल जाएगा यदि मुझे 5% की दर से ब्याज मिलता रहे तो। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको, ये सेम सवाल था। यानी कि टी की वैल्यू अब यहां कितनी आ गई, टी की वैल्यू अब यहां कितनी आ गई है, टी की वैल्यू यहां पर आ चुकी है क्या, 60 साल। ये मैंने रेड से लिखा है क्योंकि मैंने निकाला है, ये हमने निकाला है ये, ठीक है, 60 साल आ गई। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि टी टाइम था ना यहां पर, उतने ही समय में, इन द सेम टाइम, यानी कि 60 साल के अंदर, 60 साल में कितनी दर पर 7 गुना हो जाएगी। अब इसको मैं रब करना, या चलो इसके नीचे कर देते हैं। ये था हमारा पहला पार्ट, ये था हमारा दूसरा पार्ट कि 60 साल में 7 गुना हो जाएगी। अब बताओ मूलधन कितना, आप कहोगे 100%, मिश्रधन कितना, आप कहोगे जी 700%, है ना, 7 गुना हो रही है तो 700% हो गया ना, 7 गुना हो रही है तो 700% हो गया। ब्याज कितना आ जाएगा भाई, ब्याज आ जाएगा आपका 600%। तो 600% चाहिए कितने साल में, 60 साल में। आधों का उत्तर आ गया, आधों का क्या, सभी का उत्तर आ गया कि 600% चाहिए 60 साल में। तो सर क्या दिक्कत है, 600% चाहिए कितने साल में, 60 साल में। तो 10% की रेट पर, यानी कि दूसरे सवाल में जो रेट होगी वो कितनी होगी, 10%, यानी कि 10% की रेट पर हम क्या कर लेंगे, उतने ही समय में, यानी कि 60 साल, उतने ही समय में 60 साल के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी राशि को 7 गुना कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो जब ये चीजें आपके समझ, अब यहां अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे तो सवाल कहां जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। ये चीजें समझोगे और जब इस पे आप इस तरीके पे प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ सवाल तो आपके मुंह जुबानी हुआ करेंगे, ओरली आप उन सवालों को करने में एबल होंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल कहता है, सेम सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में दुगनी। अब देखो भी, 4 साल में 2 गुना हो जाती है, तो उसी दर पर, यानी कि यहां जो रेट है, यहां जो रेट है उसी रेट के ऊपर, इस रेट के ऊपर कितने साल में 8 गुना हो जाएगी, कितने समय में 8। अब देखिए भी, आसान सा सवाल है ये। इस सवाल में क्या करेंगे कि 4 साल में दुगनी हो रही है तो कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। सवाल छोटा सा सवाल है ये कि 4 साल में दुगनी, यानी के ब्याज कितना आ गया, 100%। देखो दोस्तों, बार बार लिखना है ना, भी आप खुद समझ रहे हैं इस चीज को भी, 4 साल में दुगनी मतलब 100% ब्याज, सॉरी 100% यदि मूलधन है तो ऊपर ब्याज कितना होगा, 100% होगा, तभी क्या होगी, वो 2 गुना होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, 100% क्या है यदि मूलधन है तो 100% ही क्या है ब्याज, तभी क्या हो पाएगी, 2।
तो कितने साल में है भाई? 4 साल में। आप कहेंगे सर ब्याज की रेट कितनी आ गई हमारी? 25% आ गई। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरे स्टेप में क्या करोगे? 8 गुना हो रही है, 8 गुना, 100% का 800%, तो ब्याज कितना आया बीच में? 700%। तो 700% ब्याज आया, ये कितने साल में आएगा यदि रेट यही रहे? यही क्यों रहे? क्योंकि देखो उसी दर पर, यानी कि जिस दर पर ये 4 गुना जो भी है 2 गुना हुई थी उसी दर पर, तो उसी दर हमने क्या निकाल लिया, उसी दर की वैल्यू आई है 25%। तो ये ले लिया हमने यहां 25%। क्लियर है? काटोगे जब आप इसको, कुछ भी नहीं किया मैंने, मैंने इसको सिर्फ काटा है, जब काटेंगे तो आपका उत्तर आएगा 28 साल। इस सवाल में मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको इससे पहला सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 2 गुना था तो 100 से 200 होगी तो 100% ब्याज है, 8 गुना है तो 100 से 800 होगी तो 700% ब्याज है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि एक टाइप हम और करेंगे कि किसी या कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 550 और 4 साल में 650 हो जाती है, आपको बताना है मूलधन क्या होगा और दर क्या होगी। इफ अ सर्टेन सम बिकेम 550 इन 3 ईयर एंड 650 इन 4 ईयर, देन फाइंड आउट द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आसान सा सवाल है ये। देखिए भाई, 3 साल में कितना बढ़ रहा है या बढ़ क्या रहा है? 3 साल में हो रहा है 550 रुपए। कोई राशि 550 हो रही है मतलब कि 3 साल का मिश्र धन, 3 साल की अमाउंट कितनी है? 550, और 4 साल की अमाउंट कितनी है? 650। आपकी धनराशि बैंक में पड़ी है, 3 साल में 550 हो रही है और 4 साल में 650 रुपए हो रही है, तो भी क्यों हो रही है? अपने आप क्यों बढ़ रही है? कोई जादू है, कोई मैजिक है? नहीं, ये बढ़ रही है किसकी वजह से? ब्याज की वजह से। यानी कि आपको 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? ये 3 से 4 साल है, यानी कि 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? अभी आप कहेंगे सर 100 रुपए ब्याज मिला है। 100 रुपए ब्याज मिला है कहां से आया? 650 माइनस, जब आप 550 करेंगे तो कितना आएगा? 100 रुपए आएगा। 650 माइनस 550 करेंगे तो 100 रुपए ब्याज आएगा 1 साल के अंदर, है ना? 1 साल में कितना ब्याज मिला? 100 रुपए ब्याज मिला। अब आपको पता है ना, मैंने क्या बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, कि हर साल में सरल ब्याज, अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, हर साल क्या होता है? ब्याज समान रहता है। तो अगर इस साल यानी कि 4th साल के अंदर ब्याज 100 रुपए है, तो पहले 3 सालों में भी क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे सर 300 रुपए ब्याज बन गया होगा, यानी कि 100 रुपए के हिसाब से भी पहले, या पहले को नहीं, अपने लिखते हैं 3 साल में ब्याज, ये वाले, ये 3 साल में ब्याज कितना बना होगा? आप कहोगे सर 100 रुपए को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 रुपए। इतनी बात क्लियर है? अब देखो 550 रुपए मिश्र धन है, 550 रुपए अमाउंट है 3 साल में। अगर मैं अमाउंट में से ब्याज को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आना चाहिए? प्रिंसिपल आना चाहिए ना। भी मैंने आपको 1 लाख रुपया उधार दिया था, याद करो, है ना? आपने मेरे को देना 1 लाख रुपये। अब 1 लाख रुपया मैंने आपको उधार दिया, आपने 10,000 रुपये मेरे को ब्याज दिया था, 1,10,000 क्या बना था? अमाउंट बना था अपना। तो अगर मैं 1,10,000 अमाउंट में से 10,000 माइनस कर दूं तो मेरा 1 लाख रुपया प्रिंसिपल आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। वही तो बात है कि 550 रुपये हमारी अमाउंट है, अमाउंट में से हम क्या कर दें यदि 300 रुपये जो ब्याज बना है, 300 ही क्यों? 3 साल की वजह से। और 1 साल का ब्याज कितना निकाल लिया था हमने? 100 रुपए।
तो 3 साल का 300 रुपया, यानी कि 550 रुपए में से 300 रुपए माइनस कर देंगे तो 250 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, इंग्लिश में बात कीजिए तो प्रिंसिपल आ जाएगा। 250 रुपया हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। 250 रुपया प्रिंसिपल है, 1 साल का ब्याज कितना है, 100 रुपया। अब परसेंटेज निकालना आपको मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था। 100 रुपया ब्याज किस पे, 100 रुपया ब्याज है ना, हर साल ब्याज कितना बन रहा है, 100 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना है, 100 रुपया। और जो रेट होती है वो भी क्या होती है, वो होती है 1 साल की ब्याज की रेट होती है, यानी कि 1 साल में कितना ब्याज बनेगा, तो मुझे ऊपर 1 साल में ब्याज क्या है लेना पड़ेगा। 100 रुपया ब्याज कितने रुपए पे, परसेंटेज के लिए इनटू में 100 लगा देंगे तो यहां क्या आ जाएगा भैया, 40%। किसी स्टूडेंट के मन में ये बात आ रही है कि सर आपने 100 रुपया ब्याज क्यों लिया, तो मैं आपको बता चुका हूं कि रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होती है उसका मतलब होता है 1 साल का ब्याज, इसलिए मैंने ऊपर 1 साल का ब्याज लिया, काय पे, मूलधन के ऊपर, तो मेरी क्या आ गई, रेट आ गई। तो यहां ऊपर कितना लेते हैं हम, 1 साल का ब्याज ही लिया जाता है, क्योंकि रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होती है वो 1 साल की ही होती है, ठीक है। तो क्या होगा, 100 रुपया ब्याज क्या है, 250 रुपए पे, परसेंटेज लगाना है तो गुणा में 100, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था परसेंटेज वाले चैप्टर में, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 40%। ऐसा एक सवाल और करते हैं और फिर इस वीडियो का समापन करते हैं। कोई राशि जो है वो 3 साल में 4800 रुपए हो रही है, 3 साल में क्या हो रही है, 4800 रुपया, 3 साल में 4800 हो रही है और 5 साल में 5600 हो रही है, 3 साल में 4800 और 5 साल में 5600, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अ सर्टेन सम बिकेम 4800 इन 3 ईयर्स एंड 5600 इन 5 ईयर्स, देन फाइंड आउट द इंटरेस्ट रेट। निकालते हैं भाई, कितने साल बढ़े, 2 साल, यानी कि ये राशि 4800 से 5600 क्यों हो रही है, क्योंकि ब्याज मिल रहा होगा हमें, कब मिला ब्याज, 2 सालों में। भाई यहां 3 साल की वैल्यू 4800 है, 5 साल की वैल्यू 5600 रुपए है, तो 2 सालों में कितना ब्याज मिला होगा। आप कहेंगे सर 2 साल में हमें ब्याज मिला कितना, 800 रुपया। 800 रुपए ब्याज कहां से निकाला सर आपने, तो देखो दोस्तों 5600 रुपए 5 साल की वैल्यू थी, 4800 रुपए 3 साल की वैल्यू थी, घटाएंगे तो कितने राशि आएगी, 800 रुपए आएगी। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको, 2 साल में कितना मिलता है, 800 रुपए, 1 साल में कितना मिलेगा, 400। 800 का मैंने भाग 2 कर दिया। आप कहोगे क्यों, इसलिए क्योंकि हर साल का साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल का समान होता है, तो 800 का भाग 2 करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए हमारा, 400 रुपए आंसर आना चाहिए, 400 रुपए, सॉरी आंसर तो नहीं कहूंगा मैं, 1 साल का ब्याज क्या आ गया हमारा, 400 रुपए। तो ये कितने साल में हो रहा था, 4800 रुपए 3 साल में। आप कहोगे 1 साल का ब्याज इतना है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा भाई, 400 × 3 बराबर 1200 रुपए, यानी के 3 साल में आपको कितना ब्याज मिला, 1200 रुपए। तो दोस्तों 1200 रुपए ब्याज है तो मूलधन कितना आएगा। आप कहोगे सर 4800 माइनस 1200 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 रुपए। कारण क्या है, 4800 रुपए हमारा 3 साल का मिश्र धन है, अगर हम उसमें से 3 साल का ब्याज घटा दें तो मेरा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। दोस्तों 1 साल का ब्याज कितना है, 400 रुपए, अभी निकाला ना मैंने 400 रुपया, मूलधन कितना है। आप कहोगे सर 3600 रुपए, जब आएगा तो कितना आएगा, 1/9। जिन्होंने मेरी लेक्चर लगाए हैं उन्हें पता है 1/9 की वैल्यू होती है 11 से ही 1/9%। जिसको नहीं पता वो यहां इनटू में 100 कर ले, यानी कि 400/3600 इनटू 100 करेगा तो उसका परसेंटेज आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि 1/9 की वैल्यू होती है कितनी, 11 से ही 1/9%। 1/9 तो क्या आ गई हमारी, भिन्न आ गई,
परसेंटेज चाहिए तो गुणा में 100 लगाएंगे। ये हमारी कुछ टाइप थी आज के लिए, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया और मैं ये आशा रखता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में बहुत अच्छे से आई भी होंगी। यदि आपको अच्छे से समझ आती हैं तो प्लीज आप लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कल हम इसी समय दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।